हेलो दोस्तों, की हाल चाल है। दोस्तों, आज की वीडियो में तीन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हम। आप सभी के नेवी SSR AA और MR के बैच 2020 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे आप सभी के। हालांकि इस पर वीडियो बना चुके हैं, पर आपके सभी डाउट क्लियर करने वाले हैं, छोटे बड़े जितने भी डाउट हैं। दूसरा आपका आता है SSR या MR, पहले किसका रिजल्ट आएगा। दूसरा आप सभी का इसके ऊपर बात करेंगे हम। तीसरा, इस बार कितने कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तीनों टॉपिक पर डिस्कस करेंगे आज हम। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अभी तक लाइक न करा लाइक कर दीजिए आप। हम नेवी से जुड़े अपडेट लाते रहते हैं, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम राम है, आप देख रहे हैं जीएस स्टडी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। दोस्तों, पहले टॉपिक पर बात करते हैं आप सभी के रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट डेट SSR AA और MR की। साफ साफ शब्दों में कहें आपसे, इस वीक आप सभी का रिजल्ट आ रहा है, 100% कन्फर्म है। इस वीक कन्फर्म है दोस्तों, इस वीक आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा। हमने नेवी को मेल किया था, उन्होंने रिप्लाई दिया है कि आप सभी का रिजल्ट 28 फरवरी को आ जाएगा। यानी कि दोस्तों, आप कह भी सकते हैं, क्या पता आप सभी का रिजल्ट कल आ जाए, परसों आ जाए, 28 तारीख को दोस्तों उन्होंने कहा है। वैसे आप सभी का रिजल्ट 6 बजे यानी कि शाम के 6 बजे तक आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा, तो आप चिंता ना करें, 28 फरवरी का इंतजार करते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों, एक ज़रूरी बात बताते हैं आप सभी को, नेवी की साइट पर चेक करते रहें, विजिट करके देखते रहें, क्या पता दोस्तों आप सभी का रिजल्ट कल परसों आ जाए। आप सभी का तो कन्फर्म नहीं है, पर दोस्तों आप चेक करते रहना, तो आप सभी का इसी वीक आप सभी का रिजल्ट आएगा 27-28। यानी कि नेवी वालों ने कह दिया है कि 28 तारीख को आ जाएगा, तो 28 तारीख को देख लेंगे हम। दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम नेवी से जुड़े पल पल के अपडेट आपको बताते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकेंड टॉपिक के बारे में। बहुतों की कमेंट आ रही है, सर SSR का पहला आएगा या MR का पहला आएगा रिजल्ट? तो आपको बता दें, हर बार जो आता है आप सभी का SSR का पहले आता है रिजल्ट, SSR AA का पहले आता है, MR का उसका एक दिन बाद या 2 दिन या 3 दिन उसका बाद आता है। जो पिछली बार आप सभी के एग्ज़ाम हुए थे, तो आप सभी का रिजल्ट पहले SSR का आया था, उसके एक दिन बाद MR का आया था रिजल्ट। तो आप दोस्तों घबराइए नहीं, पहले MR का नहीं आएगा, SSR AA का रिजल्ट आएगा। तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, SSR का पहले रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों, आप सभी फिजिकल की तैयारी में लग जाएं, नहीं किया तो PFT की तैयारी शुरू कर दीजिए। आप सभी को बता रहे हैं, आप सभी का पहले SSR AA का आएगा, MR का बाद में आएगा। आपका दूसरा टॉपिक क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में, इस बार कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं हम इंडियन नेवी MR की। कुल मिला के 400 पोस्ट हैं, टोटल आप सभी की 400 पोस्ट हैं इंडियन नेवी MR में। आप सभी को इस बार कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, PFT के लिए? आप सभी को नहीं पता दोस्तों, पिछली बार जो आप सभी को बुलाया जाता था PFT के लिए, आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम खत्म होने के बाद कट ऑफ में नंबर आता है, आपको बुलाया जाता था, 1600 कैंडिडेट को बुलाया जाता था PFT के लिए। यानी कि आप सभी का रिजल्ट आने के बाद जो क्वालिफाई किया जाता था, 1600 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता था। मगर दोस्तों, इस बार चेंजिंग हो गया है, इस बार मात्र 1200 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा 400 पोस्टों के लिए। आप सभी दिमाग में बैठा लीजिए, 400 पोस्टों के लिए 1200 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इस बार। तो आप दोस्तों इस बार अनुमान लगा सकते हैं, कट ऑफ तो हाई रहने वाला है इस बार का MR का। तो कट ऑफ भी दोस्तों इसी से देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 400 बच्चे कट कर दिए गए हैं। पिछली बार जो बुलाए जाते थे 1600 बच्चे बुलाए जाते थे, इस बार 400 कट कर दिए हैं, 1200 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इंडियन नेवी MR में। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, कट ऑफ भी दोस्तों इस बार हाई रहने वाला है। आप सभी को बता दिया है, इंडियन नेवी MR में इस बार 1200 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों, 1200 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इंडियन नेवी MR में PFT के लिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं हम SSR AA के बारे में। दोस्तों SSR की पोस्ट हैं 2200 पोस्ट हैं SSR में, एंड दोस्तों AA की पोस्ट हैं 500 पोस्ट हैं AA की। टोटल मिला के पोस्ट हैं वे 2700 पोस्ट हैं टोटल मिला के दोनों की। इस बार जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, टोटल आप सभी के 8000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे SSR AA में। ऑल इंडिया 8000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे SSR AA में। तो दोस्तों AA की कट ऑफ ऑल इंडिया लगती है, एंड दोस्तों SSR की स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। तो आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, इस बार कट ऑफ दोस्तों हाई रहने वाला है दोनों में। कंपटीशन दोस्तों तो इस बार टफ हो चुका है नेवी में, तो इस बार दोस्तों कट ऑफ में नंबर लाना आसानी होएगा। दोस्तों कुल मिला के 2700 पोस्ट के लिए 8000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे PFT के लिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। तो तैयारी शुरू कर दीजिए आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट की,
आप सभी का रिजल्ट इसी वीक आ जाएगा। तो आप सभी को दोस्तों हमने तीनों टॉपिक के बारे में बता दिया, रिजल्ट डेट के बारे में बता दिया, आप सभी को SSR या MR में किसका पहले आएगा रिजल्ट इसके बारे में बता दिया और कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो से। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए नेवी से जुड़े पल पल के अपडेट लाते रहते हैं हम, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बगल वाली घंटी दबा देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।